ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, कुछ जनता के बीच में लोगों से मैंने बातचीत किया, लोग बड़े नाराज़ हैं, विधायक लोग नहीं जाते हैं फील्ड वगैरह में, खास करके सगड़ी क्षेत्र के एचएन पटेल विधायक हैं, उनको लेकर के बड़ी नाराज़गी है देवारा क्षेत्र के लोग। मुख्तार क्यों अपराधी बने? वो कारण शायद सामंतवादी या दमनकारी लोग थे, और आज सामंतवादी या दमनकारी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर बैठे हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी जी सुरक्षा दिए हैं। निरहुआ अफजल अंसारी को टिकट दिए जाने से बड़े खफा हैं, उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा कि मुसलमानों को टिकट देते हैं, आजमगढ़ से क्यों नहीं किसी यादव को दे दिया जो आजमगढ़ का? वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है कि आज निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ाने का काम कर रही है। निरहुआ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को 1-1.5 लाख वोटों से हरा करके भेजा। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं। बीजेपी झूठ बोलने की उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। आप बता दिए, प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था कि मैं 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजूंगा, आया। उन्होंने कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो जाती, क्या उन्होंने दिया? निरहुआ जी ने एक और बड़ा बयान दिया है, कहा है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के असली उत्तराधिकारी नहीं है। निरहुआ जी में और धर्मेंद्र यादव में बहुत फर्क है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी इनको बदल करके इनका टिकट दूसरे को दे दे, यहाँ किसी यादव को दे दे, अगर इतना यादव समझदारी है तो निरहुआ को यहाँ लाया गया, गाजीपुर का रहने वाला, ये तो आजमगढ़ का है भी नहीं। चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उसको रोक पाए? मुख्तार अंसारी क्या है क्या नहीं, ये क्यों नहीं बताते कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे, उनके परिवार के लोग उपराष्ट्रपति रहे, उनके परिवार के ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों का डट कर मुकाबला किए और उनको परास्त किया। मुलायम सिंह यादव ने निसंदेह आजमगढ़ के लिए बहुत सारा काम किया, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और कुछ ही दिन शेष हैं कि पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हवलदार यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम लोग समझेंगे कि आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटें हैं जो इनकी जिम्मेदारी भी कही जा रही है कि इनको आगे बढ़ करके उन सीटों को जिताना है, तो उसके लिए क्या तैयारी इन्होंने कर रखी है। वहीं जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मौजूदा सांसद हैं दिनेश लाल यादव जी, वो लगातार हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव से लेकर के धर्मेंद्र यादव पर, तो किस तरह की सपा की तैयारी है ये भी हम समझेंगे। और तमाम बयानों पे जो आजकल सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के जो बयान हैं उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद। पहला सवाल तो ये है कि जो दिनेश लाल यादव जी हैं सांसद भाजपा के, वो कह रहे हैं कि जनता को 3 दिन वाला नेता नहीं चाहिए, 30 दिन वाला नेता चाहिए, और मैं जनता के बीच 30 दिन 24 घंटा हर घड़ी हर पहर उपलब्ध रहूँगा, और जो बाहर के नेता हैं वो 3 दिन वाले हैं, धर्मेंद्र जी अभी तक ज़िले में आए नहीं हैं। देखिए, निरहुआ जी जो बोले हैं जुबान उनकी है, लेकिन निरहुआ जी में और धर्मेंद्र यादव में बहुत फ़र्क है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, 3 बार पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 4 बार चुनाव लड़े हैं, 4 बार 5 बार वो स्टार प्रचारक भी हैं समाजवादी पार्टी के, और स्टार प्रचारकों को हर क्षेत्रों में जहाँ डिमांड होती है उनको जाना पड़ता है, वो डिमांड के आधार पर वह जो हमारे 1st-2nd राउंड के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वह कंपेन कर रहे हैं। और निरहुआ जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो लड़ाया है वो निरहुआ स्टार प्रचारक नहीं है, निरहुआ एक क्षेत्र में यहाँ लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ के MP तो हो गए, वह बतावें कि क्या जब से वह चुनाव लड़े तब से बराबर आजमगढ़ क्षेत्र में रहे? इधर चुनाव जब करीब आया है तो कहते हैं मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ, आजमगढ़ जनता की बात भी सुन रहा हूँ, इसके पहले कहीं अमेरिका का दौरा, कहीं कहीं का जाने का प्रोग्राम उनका था। यह है चुनाव जीतने के बाद कितने दिन वह आजमगढ़ में रहे, जनता के बीच में रहे, यह बड़ा सवाल है। और यह बातें कहना
अब उनका और धर्मेंद्र जी में बहुत अंतर है, ऐसी परिस्थिति में वह बात कोई मतलब नहीं है। चलिए मान लिया कि धर्मेंद्र जी स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के जैसे फेज वाइज चुनाव होंगे, जहाँ जहाँ कैंडिडेट होंगे वहाँ से वो प्रचार प्रसार करते हुए आजमगढ़ की तरफ आएंगे, उनकी अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए वह अन्य जगह प्रचार करने जाएंगे, बीच बीच में जाएंगे, दिनांक 5 तारीख को वह आजमगढ़ में आ रहे हैं और 5 तारीख के बाद लगातार कार्यक्रम है उनके, विधानसभाओं के सम्मेलन तमाम कार्यक्रमों में जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। वह अपने इस क्षेत्र में जब तक पूरा घूम नहीं लेंगे तब तक अन्य जगहों पर अब नहीं जाएंगे, वह एक प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ में अपना काम करेंगे। इसके बाद जहां पार्टी निर्देश करेगी वह 1-2 दिन के लिए जाएंगे, बाकी दिनों में वह प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र में रहें। निरोज ने एक और बड़ा बयान दिया है, कहा है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के असली उत्तराधिकारी नहीं है, उन्होंने खुद को कह दिया है कि मैं मुलायम सिंह यादव का असली उत्तराधिकारी हूँ, अखिलेश यादव नहीं है। देखिए कौन उत्तराधिकारी है कौन नहीं है वह जनता तय कर चुकी है, वह 3-4 इलेक्शन हो गए, निरहुआ यहीं से एक बार चुनाव हारा भी है और दोबारा चुनाव जो जीते 22 इलेक्शन में जीते वह हम लोगों की थोड़ी कमियां हुई जिसकी वजह से वह चुनाव झटके में जीत गए और मामूली अंतर से जीते जी। तो आपकी पता चलेगा कि वाकई कौन उनका मुलायम सिंह यादव का वारिस है, उनको पता चल जाएगा। तो आधार बताते हैं, वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने निसंदेह आजमगढ़ के लिए बहुत सारा काम किया, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी यादव हूँ, मैं भी नेताजी को धरती पुत्र कहा नेताजी को, हालांकि ये मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, निरहुआ ने कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोग संबोधित भी करते हैं, तो उनके विकास कार्यों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सच्चा उत्तराधिकारी। देखिए यही तो बात है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं। बीजेपी झूठ बोलने की उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। आप बता दी प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था कि मैं 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजूंगा, आया उन्होंने कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो जाती, क्या उन्होंने दिया? उन्होंने कहा कि सीमाओं पर आतंकवादी हमले कम होंगे, वहाँ अब कोई हिम्मत नहीं करेगा जो हमारे देश की तरफ आंख दिखा देगा, चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उसको रोक पाए? क्या इस देश में जो महंगाई बढ़ी है, उन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, क्या महंगाई कम हुई कि महंगाई बढ़ी है? आज कानून व्यवस्था का सवाल है, क्या इस प्रदेश में यह नहीं हो रहा है कि जात धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को साजिश करके जेलों में मारा जा रहा है, क्या यह नहीं हो रहा है? क्या यह न्याय है? क्या यह कानून व्यवस्था अच्छी है? तो इस तरह जो बातें होती हैं जो ये लोग करते हैं, आज आजमगढ़ का सवाल है, अखिलेश यादव ने इस ज़िले में कृषि विश्वविद्यालय दिया, मेडिकल कॉलेज बनाया, चीनी मिल दिया, इस आपका ये हरिओत कला भवन फर्स्ट क्लास का बनाया जिसमें आज वह भारतीय जनता पार्टी के रोज कब्जा करके मीटिंग कर रहे हैं, आरएसएस अपनी मीटिंगें कर रहा है, आज जो भी जनपद में विकास का काम हुआ, 4 लेन से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम किसने किया? ये अखिलेश यादव ने किया। आज जितने भी यहाँ निर्माण चौराहों का, क्या माने निरहुआ नेताजी के नाम का लाभ लेना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं? देखिए जनता बहुत समझदार है, निरहुआ जो भी कुछ कहे, लेकिन जनता समझ रही कि कौन नेताजी का असली वारिस है, वो उसके साथ है। निरहुआ अफजल अंसारी को टिकट दिए जाने से बड़े खफा हैं, उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा कि मुसलमानों को टिकट देते हैं, आजमगढ़ से क्यों नहीं किसी यादव को दे दिया जो आजमगढ़ का रहने वाला? देखिए ये पार्ट आप कहाँ के हैं, वो आजमगढ़ के हैं, निरहुआ आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही बताए कि आजमगढ़ का कोई नेता नहीं था यहाँ चुनाव लड़ने लायक, क्यों उनको यहाँ ले आकर टिकट दिया गया? ये तो पार्टी फैसला करती है, पार्टी की संचालन समिति फैसला करती है, संसदीय बोर्ड फैसला करता है, ये फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। तो अगर वो आकर के यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं तो धर्मेंद्र यादव कैसे बाहरी हुए? उनका तो यहाँ से बराबर का रिश्ता रहा आजमगढ़ से,
नेताजी कहते थे कि इटावा हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है, वो अपनी कर्मभूमि मानते थे। निरहुआ तो बहुत बाद में आया, तो भारतीय जनता पार्टी इनको बदल करके इनका टिकट दूसरे को दे दे, यहाँ किसी यादव को दे दे, अगर इतना यादव समझदारी है तो निरहुआ को यहाँ लाया गया, गाजीपुर का रहने वाला, ये तो आजमगढ़ का है भी नहीं। तीन परिस्थितियों में उनकी बात का कोई मतलब नहीं है, जनता सब जानती। कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव को, अगर वो रहते तो मैं उन्हीं से पूछ लेता, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये सवाल आप ही इसका जवाब दीजिए। निरहुआ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को 1 से 1.5 लाख वोटों से हरा करके भेजूंगा। अब देखिए, वो तो ये भी कहते थे 19 के चुनाव में, कहते थे ये ईश्वर भी नहीं हमको रोक पाएगा हमारी जीत को, तो उनका जवाब देना उचित नहीं। जो ईश्वर को भी चैलेंज करता हो कि हमारी जीत को नहीं रोक पाएगा, हम ही जीतेंगे, लेकिन चुनाव हार गया, तो ऐसे लोगों का जवाब देना इस पर कोई मेरे समझ से वाजिब नहीं है। निरहुआ कहने दीजिए, जनता तय करेगी। निरहुआ जी का एक और आरोप है कि वो अखिलेश यादव जब किसी दूसरे यादव को हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठा देख लेते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, वह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन है कि आज निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाने का काम कर रही, वो उन्हीं लोगों की देन है कि यादव इस स्तर पर गया है या पिछड़ा वर्ग दलित अल्पसंख्यक को अधिकार मिला है। आज उसी नाते भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यादव कौम को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि यादव कौम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के साथ खड़ी होकर उनके ऊपर जो दमन होता है, जुल्म होता है, उनके साथ खड़ा होकर के सामंतवादियों दमनकारियों का मुकाबला करती है। भारतीय जनता पार्टी इस नाते यादव को तोड़ना चाहती है, लेकिन शायद उनके दिमाग में नहीं है कि यादव कभी अन्याय के खिलाफ, दमन के खिलाफ वो झुक नहीं सकता। तोड़ने की बात तो अलग है, वो उसका मुकाबला करके जीतता है और ये लड़ाई हम जीतेंगे। चलिए, आज सांसद जो हैं संजय सिंह, उनकी जमानत हो गई है, तो विपक्ष को कितनी मजबूती मिलेगी इससे? देखिए, इससे स्पष्ट है कि देश में कानून का राज रहेगा, संविधान और लोकतंत्र बचेगा, और हम माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज की परिस्थिति में जब देश में एक पार्टी, एक सरकार दिन रात जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का, उनकी गलत नीतियों का, उनके आचरण स्वभाव का, उनके निष्ठा का, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ऐसी कार्रवाई हिटलर के ज़माने में तानाशाही में नहीं हुआ करती थी। यह संविधान और लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ हो नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय सबको सम्मान देगा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगा। मैं संजय सिंह की इस रिहाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और पुनः मैं जनता से कहता हूँ, दमन और अत्याचार करने वाला कभी सक्सेस नहीं होता, उसका जवाब जनता देती है, और उस जनता के ऊपर हम लोग आज विश्वास करते हैं कि 2024 में उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने एक बयान दिया कि जिनके हाथ खून से सने हैं, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे थे, तो वो नहीं अब इस दुनिया में, और समाजवादी पार्टी के नेता जा जाकर के मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिल रहे हैं, तो कहीं नहीं लगता कि इसका कहीं खामियाजा भुगतना पड़ जाए या उल्टा हो जाए? देखिए, मुख्तार अंसारी क्या है क्या नहीं, ये क्यों नहीं बताते कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे, उनके परिवार के लोग उपराष्ट्रपति रहे, उनके परिवार के ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों का डट कर मुकाबला किए और उनको परास्त किए, ये पक्ष तो नहीं है। मुख्तार क्यों अपराधी बने, वो कारण शायद सामंतवादी या दमनकारी लोग थे, और आज सामंतवादी या दमनकारी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर बैठे हैं, उनको मुख्यमंत्री जोगी जी सुरक्षा दिए हैं, बनारस के उस माफिया को कौन नहीं जानता, आप जौनपुर के उस माफिया को कौन नहीं जानता, फैजाबाद के उस माफिया को कौन नहीं जानता, आपके सोनभद्र के उस माफिया को कौन नहीं जानता, पूरे पूर्वांचल में इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है,
केवल धर्म और जात के नाम पर लोगों को पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक जातियों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, इससे कभी कोई डरने वाला नहीं है। इसका मुकाबला भी होगा और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। चलिए, आजमगढ़ की दो सीटें हैं और किस तरह की तैयारी है और क्या ये दोनों सीटें सपा जीतने जा रही है, जिस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, आजमगढ़ की दोनों सीटें, आजमगढ़ और लालगंज, समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारी पूरी तैयारी, हमें आजमगढ़ की जनता पर भरोसा है। आजमगढ़ जनता विकास के नाम पर, यहाँ के सम्मान के नाम पर हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रहती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना आशीर्वाद स्नेह देती है और 2024 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जनता का सहयोग मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। दोनों सीटों पर अध्यक्ष जी भर भर के वोट देती है समाजवादी पार्टी को, 10 विधायक जीते हैं इस बात का प्रमाण है और तमाम पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी को वोट जनता देती है। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, कुछ जनता के बीच में लोगों से मैंने बातचीत किया, लोग बड़े नाराज़ हैं, विधायक लोग नहीं जाते हैं फील्ड वगैरह में, खास करके सगड़ी क्षेत्र के HN पटेल विधायक हैं, उनको लेकर के बड़ी नाराज़गी है देवारा क्षेत्र के लोगों में। देखिए, जो जिसको सम्मान देता है, जो जिसको वोट देता है, उससे अपेक्षाएं भी होती हैं और मैं ज़रूर कहूँगा कि कहीं कोई कमी अगर हमारी है तो उसको हम लोग दूर करेंगे और जनता किसी की नाराज़गी का परिणाम उसको दूसरे को नहीं देगी। यह चुनाव देश की अस्मिता का है, देश में संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक के लोगों के हक हिफाजत का है। तो ऐसे चुनाव में देश, हमारी जनता, आजमगढ़ की जनता बड़ी समझदार है और निश्चित तौर पर इन बातों को पीछे रख करके वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताने का काम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, कितना भरोसा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से आप लोग बेदखल कर देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि PDA ही BJP को हराएगा, उत्तर प्रदेश से ही हम BJP को हरा के सत्ता से बाहर करेंगे, तो कितना भरोसा है इस बार BJP को आप लोग हरा देंगे? हमको पूरा भरोसा है कि यहाँ PDA की ताकत से हम लोग BJP को हराने का काम करेंगे। ये PDA में, PDA का आज भारतीय जनता पार्टी में शोषण हो रहा है, उनको, उनके हक का अतिक्रमण हो रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे लोगों को अखिलेश यादव, जिनका हक मारा जा रहा है, जिनका दमन हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके हक की लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और उन्होंने PDA नारा दिया है इस कारण कि आज जो लोग शोषित हैं, जो लोग आज परेशान किए जा रहे हैं, जिनको नौकरियों में, जिनके हक को ख़त्म किया जा रहा है, दूसरे लोगों में उसमें रखा जा रहा है, जिनको जिनका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, जिनका अधिकार ख़त्म किया जा रहा है, जो पढ़ाई से बाधित करने का काम किया जा रहा है, जिनको दवा नहीं मिल रही है, जो किसान आज दर दर मारा फिर रहा है, उनका जो उत्पादन है उसका उचित मूल्य नहीं मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने PDA का नारा दिया है और ये PDA ही आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। तो चलिए साथियों, हमने बातचीत किया हवलदार यादव जी से, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनका दावा है कि दो सीटें हम जीत करके, यहाँ से आजमगढ़ की दो सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे और इन्होंने कहा है कि इस बार पूरी संभावना है कि हम लोग जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस पर अमल करते हुए हम लोग जीत हासिल करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सत्ता से विदाई तय करेंगे। और तमाम दावे उधर से भी किए जा रहे हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ के भी अपने दावे हैं कि इस बार 1.5 से 2 लाख वोटों से या 1 लाख वोटों से, अलग अलग बयान हैं उनके, हरा करके भेजेंगे धर्मेंद्र यादव को। अब यहाँ की जनता किसके पाले में गेंद डालती है या किसे अपना नेता चुनती है तो आने वाला वक्त बहुत जल्दी तय कर देगा, बहुत जल्दी बता देगा। बहरहाल, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपकी बात जनता तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।